हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एमएस वर्ड में आपका फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल हम किस तरीके से करते हैं। यहाँ पे आपका कुछ वर्ड दिया हुआ है, कुछ वर्ड पहले से लिखा गया है एमएस वर्ड में इस तरीके से लिख लेंगे। इसमें आपका जो फर्स्ट लाइन दिया हुआ है, फर्स्ट लाइन को आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से इसमें आपका ऑप्शन है बोल्ड करने के लिए, इटैलिक करने के लिए, अंडरलाइन, ये काम यहाँ से आप कर सकते हैं। करने के बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन आपका है फॉन्ट, फॉन्ट आप चेंज कर लेंगे। चेंज करने के बाद से नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आप कर लीजिए फॉन्ट साइज। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 से 5 काम यहाँ पे आपका किया गया है, 5 से 4 वर्क इसमें हुआ है इस फॉन्ट में जो आपका सबसे फर्स्ट वाली लाइन लिखी गई। तो ये जो लाइन आपका लिखा हुआ है, अब इसी कि जैसा आपको नीचे के सभी लाइन चाहिए तब हम फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, ठीक है, इसको सबसे पहले आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ पे आपको ऑप्शन देखिए दिया हुआ है होम टाइप के क्लिपबोर्ड ग्रुप में फॉर्मेट पेंटर, तो इस पर आप क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे इसका जो भी फॉर्मेट आपका है वो सब कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद से जिसको आप बनाना चाहते हैं उसी के जैसा उसको आप क्या करेंगे, सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद से माउस का पॉइंटर जो आप प्रेस किए हैं उसको आप छोड़ देंगे तो सेम आपका जैसे ऊपर लिखा हुआ था उसी फॉर्मेट में नीचे का भी टेक्स्ट हो जाएगा। सिर्फ इसमें क्या होगा, इसका सिर्फ फॉर्मेट कॉपी होता है और यहाँ पे आपका जो टेक्स्ट दिया हुआ है उसको कॉपी नहीं यहाँ पे करते हैं, बस सिर्फ इसका फॉर्मेट, इसीलिए यहाँ पे इसका नाम दिया हुआ है फॉर्मेट पेंटर। तो इस तरीके से आप फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल कर लेंगे। दूसरा ऑप्शन है आपका, इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से कीबोर्ड से आप क्या करेंगे, प्रेस करेंगे CTRL Shift + C। प्रेस करने के बाद यहाँ पे जिस भी फॉन्ट को आपको चेंज करना है उसी के जैसा सेम रखना है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ पे जिस तरीके से हम पेस्ट करते हैं उसी तरीके से CTRL Shift + V दबा देंगे तो सेम फॉर्मेट जो आपका रहेगा उसी जैसा अभी हो जाएगा। तीन दोनों तरीकों से आप फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।